नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। राजधानी में अवंती विहार निवासी 33 वर्षीय महिला किरण मगर ने भाजपा नेता प्रकाश बजाज के ऊपर मकान दिलाने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पर भी छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद धरमलाल कौशिक ने उन पर मानहानि का केस भी किया था। वहीं महिला ने एक बार फिर से भाजपा के बड़े नेताओं पर इस मामले में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रकाश बजाज को भाजपा नेताओं द्वारा बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उनके आरोप को गलत बता रही है, जबकि प्रकाश बजाज ने उनके मकान दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश बजाज सही है तो फरार क्यों है, पुलिस के सामने आने से क्यों बच रहा है। महिला के साथ भाजपा नेता दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। महिला के अनुसार प्रकाश बजाज आरोपी है, फिर भी उसे बचाया जा रहा है। इस मामले में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और सचिनानंद उपासने समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करने की बात किरण मगर ने कही है। मामला है धोखाधड़ी का और पुलिस इस पर अपनी कार्रवाई भी कर रही है। इस पर कार्रवाई से बीजेपी के कुछ सदस्य है जो इस चीज से संतुष्ट नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि वो बजाज के पक्ष में ऐसे मेरे आरोप को झूठा क्यों बोल रहे हैं और बजाज फरार क्यों है अभी तक, कि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अगर ऐसी बातें हैं तो बीजेपी के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगी कि वो खुद बजाज को लेकर के सामने आए, उनको कोर्ट में पेश करे। जो भी सच्चाई है वो उसका फैसला कोर्ट करेगी। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, विधायक जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, और सच्चिदानंद उपासने जी हैं, और भी कुछ सदस्य हैं बीजेपी के, जो इनका कहना है कि मेरे आरोप झूठे हैं। झूठा आरोप है तो बजाज फरार क्यों है अभी तक, के उनका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। अपने बेगुनाही का सबूत दे वहाँ पर आके, और मेरे खिलाफ जो भी एविडेंस है वो कोर्ट में पेश करे। और मैं इसकी शिकायत, जो भी मेरे आरोपों को झूठा बता रहे, जो भाजपा वाले जो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार ये कह के कि मेरा आरोप झूठा है, तो मैं इन सबकी शिकायत जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को करने वाली हूँ। बहुत जल्द दिल्ली जाने वाली हूँ कि वो लोग एक आरोपी को बचाने के लिए, मतलब मुझे न्याय दिलाने से उनको कोई अगर प्रताड़ित है उनके प्रदेश में तो उनसे उसको उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।